20.4 के 5 के एवरेज से देखिए, 20.5 के एवरेज से माइलेज दिया है। और दोस्तों एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी देखिए, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये 20 बंगला गेट है कोलकाता न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 का। और यहाँ से अभी जा रहे हैं इमरजेंसी में आसनसोल, जो 240 किलोमीटर है एमजी हेक्टर से। तो आपको बताएंगे कि कैसे इस ट्रेवल को किधर से जाना है, क्या टोल टैक्स है और कितना इसमें खर्च आएगा और कितना देर पहुंचने में लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत बारिश भी हो रहा है आज, तो अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाएंगे। अभी करीबन 11 बज गए दिन के, तो सफर का शुरू कर चुके हैं। सामने देखिए, ये बंगाल का गौरव कोलकाता का 20 बंगला गेट। इसका वीडियो भी आपके साथ पहले मैं शेयर कर चुका हूँ झारखंडी ट्रेवलर चैनल पर, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि कैसे इस रेस्टोरेंट में हम लोग खा सकते हैं, उसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तब देखिए 20 बंगला गेट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे फ्लाईओवर हैं और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मेट्रो का लाइन बन रहा है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और ये देखिए खूबसूरत 20 बंगला गेट। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेके, देखिए ये क्या खूबसूरत जगह है, ये पूरा चौराहा ही काफी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं पूरा हर तरफ। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या है इस सफर में, 250 किलोमीटर के इस सफर में रास्ते में जो जो मिलता है आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। तो दोस्तों करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद अभी एक हॉल्ट लिए हैं यहाँ पर, कुछ स्नैक्स ले लेंगे क्योंकि सफ़र लंबा है तो खाते पीते चलना है रास्ते में। तो चलिए अब मिस्टी हब, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है झारखंडी ट्रेवलर पर, आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। निकल चुके हैं मिस्टी हब में हल्का स्नैक्स के बाद। तो चलिए अब आगे आपको सफर दिखाते हैं, देखिए क्या खूबसूरत रास्ता। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं ये इको पार्क का बाउंड्री है, जो हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा है इको पार्क, इसका 7 वंडर भी यही पास में है। तो ये काफी खूबसूरत जगह है, देखिये यहाँ पर ताजमहल आपको दिख रहा है, देखिये ये ताजमहल। और ताजमहल के बगल से क्रॉस कर रहे हैं, देखिए। तो चलिए अब सफर को आगे बढ़ाते हैं सीट बेल्ट लगा के। साथियों अभी देखिए ये ब्रिज देख रहे हैं आप, हुबली नदी पर है, पाली ब्रिज नाम है इसका। और ये बगल में जो आयरन वाला देख रहे हैं ये, इससे ट्रेन जाती है और ये करीबन 10 लेन का ब्रिज है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जस्ट 1-2 किलोमीटर के बाद टोल टैक्स है, उसके बाद हम लोग कोलकाता जो शहर है उससे बाहर निकल जाएंगे। और इसी नदी के बगल में यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली का मंदिर था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बेलूर मठ। तो अगर आप बेलूर मठ या दक्षिणेश्वर जाना चाहते हैं तो आप इस जगह से ही जा सकते हैं।
तो साथियों अभी देखिए बेलगरिया फ्लाईओवर के बाद ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर टोल टैक्स है सामने और इस टोल में 65 रुपया पे करना है इस रोड में चलने का टैक्स। तो देखिए देश में कितना टैक्स वसूला जाता है और अभी हम लोग देखेंगे 250 किलोमीटर चलने में कितना हम लोग को टोल टैक्स देना पड़ता है। पहला ये 65 रुपये का यहाँ हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं और ये फास्टैग की वजह से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा यहाँ से। देखिए पिछला टोल टैक्स के बाद अभी मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर चले हैं और ये देखिए एक टोल नया, ये है दानकुनी टोल प्लाजा। और इस टोल को क्रॉस करने के बाद हम लोग कोलकाता से बाहर निकल जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कितना लगता है पैसा। तो साथियों अभी जाम लग गया है दानकुनी टोल प्लाजा के आगे और इस टोल में 75 रुपया पे करना पड़ा। तो आप देखिए अभी 20-30 किलोमीटर में ही 140 रुपये का टोल टैक्स पे कर चुके हैं। और देखिए अभी 100 किलोमीटर भी कोलकाता से नहीं निकले हैं, वर्धमान नहीं पहुंचे और ये तीसरा टोल अभी दिए 75 रुपये का। और देखिए कार क्या एवरेज दे रही है 18.5 का। तो जितना तेल नहीं जलेगा लग रहा है कि उससे अधिक टोल ही देना पड़ जाएगा। देखिए हर तरफ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है नेशनल हाईवे पर, ये यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा है तो थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं और टोल है क्या है। तो दोस्तों अभी शक्तिगढ़ आ गए हैं, कलकत्ता से 90 किलोमीटर के आसपास है ये। और ये शक्तिगढ़ यहाँ पर मिठाई का दुकान मशहूर है, लेमचा यहाँ का प्रसिद्ध है। तो कभी आए तो यहाँ रुक के लेमचा जरूर खाएं। ट्रेन से भी अगर कोई आते हैं तो शक्तिगढ़ आता है, तो वही शक्तिगढ़ है। अब चलिए आगे चलते हैं, वर्धमान है आगे। ये MG हेक्टर देखिए SUV है लेकिन फिर भी जबरदस्त माइलेज दे रही है, 19.6 का एवरेज अभी आ रहा है। और देखिए ट्रैफिक भी स्लो है, ट्रैफिक में चल रहे हैं उसके बाद भी इतना जबरदस्त एवरेज, लेकिन टोल टैक्स से ही परेशान है। अभी तक 215 रुपये का टोल दे चुके हैं 100 किलोमीटर में। तो साथियों अभी वर्धमान पहुंच चुके हैं और वर्धमान से यहाँ से अगर दाएं लेके चलते हैं राइट साइड से तो उधर से हम लोग बोलपुर जा सकते हैं जो शांति निकेतन है, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रेट जाएंगे क्योंकि हम लोग आसनसोल जा रहे हैं। तो चलिए इस NH में चलते हैं और देखते हैं, अभी तक 215 रुपये टोल टैक्स दे चुके हैं, आगे देखते हैं और कितना लगता है। तो अभी अब वर्धमान इन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ग्रीन बोर्ड, ये रूट पूरा दार्जिलिंग 519 किलोमीटर, दुर्गापुर 24 है और बांकुड़ा 71। तो देखिए ये NH 6 lane NH है, नेशनल हाईवे 2। ये रोड सीधे दिल्ली तक जाती है, अगर इसमें सीधे चले जाए तो यहाँ से हम लोग दिल्ली देश की राजधानी जा सकते हैं। दुर्गापुर पहुंच चुके हैं दोस्तों, दुर्गापुर पहुंच चुके हैं और ये देखिए एक चौथा टोल आ चुका है। अभी तक 215 रुपया टोल में दिए हैं, अब देखते हैं यहाँ पर कितना लगता है। चलिए क्रॉस करते हैं उसके बाद बताते हैं यहाँ का कितना चार्ज है। तो साथियों यहाँ पर 85 रुपीज लगा, फास्टैग से ऑटो डिडक्ट हो गया है। तो देखिए अभी तक 300 रुपये का टोल दे चुके हैं, अभी 230 किलोमीटर है कोलकाता से, या समझिए कोलकाता एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ से। और ये देखिए ये बोर्ड, अभी दुर्गापुर इंटर करके अब दुर्गापुर क्रॉस करेंगे, यहाँ से देखिए बोध गया है 305 किलोमीटर और ये सीधे दिल्ली का रास्ता है और इधर से हम लोग खड़गपुर भी जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या लगता है इसमें। साथियों अभी
कार का एवरेज देखिए 20.5 आ रहा है, 20.45 फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी ट्रैफिक में रुके हुए हैं और ये लगभग आसनसोल आ ही गए हैं, तो 3 किलोमीटर और है। तो साथियों फाइनली आसनसोल पहुंच चुके हैं, आप देखें आई लव आसनसोल का बोर्ड और ये आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज सामने है। तो देखिए एवरेज स्पीड जो इसका एवरेज आया गाड़ी का वो 20 किलोमीटर पर लीटर का आया है, तो यहाँ तक आने में करीब 240 किलोमीटर का सफर तय करने में मात्र 12 लीटर के आसपास का डीजल लगा और 300 का जो है आपका इसमें लग गया है टोल टैक्स। तो आप समझिए टोल कितना लग गया इसमें, तो आप देख सकते हैं एसयूवी का कितना गजब का एवरेज है। 20 के एवरेज से अगर कोई एसयूवी चल रहा है जिसमें 4 घंटा लगा हमको, 4-4.5 घंटा के करीब 240 किलोमीटर का सफर तय करने में, तो आप समझिए कि और विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।